नमस्कार दोस्तों, देखो ये ज्योतिषर तीर्थ है जहाँ पे श्री भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था करीब 5500 साल पहले। यहाँ पे देखिए कि हर जगह टाइलें यहाँ पे भी लगा दी गई है, जब हम बार बार बात करते टाइलें लगा के हर जगह कंक्रीटाइज किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए पेड़ था, इसको अभी हमने डीकंक्रीटाइज किया है, इसके रूट से अभी टाइलें हटा दी हैं। सुशील कुमार अभी लगा हुआ था साथ में, ये अर्जुन बेटा और अन्वीक्षा भी आए देखने के लिए कैसे करते हैं। तो देखिए कि किस तरीके से पूरी तरह से ये कंक्रीटाइज किया हुआ है। देखिए आप, ये देखो पूरा सीमेंट डाल के और इस तरीके से पूरा पक्का कर देते हैं हम। तो इससे जड़ों में ना पानी जा पाता है, ना हवा जा पाती है और ना ही तनाव वो फैल पाता है। और इस तरीके से देखिए आप, ये तने का ऊपर का हिस्सा अलग से कटने लग जाता है कुछ समय के बाद, क्योंकि बाहर का जो फ्लोएम होता है उसकी ग्रोथ होती है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से कट जाता है ये, और कटने के बाद अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद जो फूड सप्लाई जो है रूट्स को वो बंद हो जाती है और पेड़ डेड हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से टाइल्स लगी हुई है। तो अब हम इन टाइलों को हटा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके कहीं पर भी पेड़ों के नीचे टाइलें लगी हुई है कंक्रीटाइज किया हुआ, तो काइंडली आप उसको डीकंक्रीटाइज करें। सेकेंडली एनजीटी का भी इसमें ऑर्डर है कि किसी भी पेड़ के तने से कम 1 मीटर तक कच्चा रखा जाए, कोई भी उसके टाइल्स और इस तरह से कोई मटेरियल ना लगाया जाए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं, अपने घर के आसपास, अपने ऑफिस में, जहाँ कहीं पर भी यदि टाइलें लगी हुई हैं, तो उन टाइलों को काइंडली इस तरीके से हटा दें और पेड़ों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।